हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद सत्ता पक्ष के तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी और अब उसको लेकर शुरू हो गई जुबानी चढ़ी। जेडीयू के नेता निखिल मंडल ने कई बड़े आरोप लगा दिए, वहीं अब उनको भी जवाब आरजेडी की तरफ से दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से जेडीयू और आरजेडी में जुबानी जंग शुरू हो गई। जेडीयू के नेता है निखिल मंडल और आरजेडी के मोहम्मद कलाम के बीच तिखी जंग, जुबानी जंग शुरू हो। जिनके शासन काल में बाढ़ घोटाला हुआ हो वो बाढ़ पे आज ज्ञान बांट रहे हैं, जो खुद कोरोना काल में दिल्ली में मौज मस्ती कर रहे थे वो आज कोरोना पे ज्ञान बांट रहे हैं, और वो व्यक्ति अपराध पे बात कर रहा है जिसके राज को अपराध के लिए ही जाना जाता है, जंगल राज, और जिसके राज में एफआईआर नहीं होता था वो आज बड़ी बड़ी बात कर रहा है, वो भी किस प्रकार, एनसीआरबी के आंकड़े को तोड़ मरोड़ के। तेजस्वी जी, जगह समय तिथि तय कीजिए, आपके एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, पर आग्रह है आपका इस तरह के कंफ्यूजन बिहार के जनता के बीच ना फैलाएं। संवैधानिक पद पे हैं, थोड़ा इस बात का ज्ञात रखें और लॉजिकल बात करें। प्रवक्ता निखिल मंडल जी, आपको समझना चाहिए कि 15 शासन साल के शासन काल में आपके सरकार में सैकड़ों घोटाला हुआ है, सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, प्रधानमंत्री आवास घोटाला, नलजल घोटाला, और अपराध की बात कर रहे हैं तो बिहार में बाहर है और AK-47 का सरकार है। आप तेजस्वी यादव जी का बात करते हो तो तेजस्वी यादव जी ने तो दबे कुचले युवाओं, नौजवानों, सभी लोगों को आवाज़ देने का काम किया, इसलिए पहले अपने गिरिवान में आप झांक लीजिए, उसके बाद हमारे नेता के ऊपर आप आरोप लगाने का काम करेंगे। पूरे बिहार को तो आप लोगों ने बर्बाद करने का काम किया। आप बताना चाहेंगे कि COVID-19 का आपके पूरे बिहार में कितने प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच हो रहा है, कितने हॉस्पिटल में जांच हो रहा है। लंबी लंबी बात करने से नहीं होगा, बिहार की जनता जान रही है कि आने वाले समय में 2020 में आप लोगों का बोरिया बिस्तर बंधा गया हुआ है। तो आपने सुना किस तरीके से जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया है, तो देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। घोटाले के मामले को लेकर जल लगातार सरकार को घेर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और इन सब मामलों को लेकर सियासत तेज है। बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।